ओके okay, तो आज जो है हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हमारे पास जो पेपर 3 है AS लेवल केमिस्ट्री का, उस पर कि इस पेपर 3 का बेसिकली पैटर्न क्या होता है और ये किस तरीके से चीज़ों में डिवाइड है और यहाँ पर कितनी इसका पेपर में वेटेज एंड टाइम वगैरह मौजूद है। बेटा पेपर 3 जो केमिस्ट्री का है वो पूरा आपका लैब वर्क पर डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पर जो है वो आप लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम अपने पेपर्स को सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ पर जितने भी हम लोग रिएक्शंस को देख रहे होंगे वो रिएक्शंस आपने बिल्कुल कभी ना कभी सुने होंगे या फिर उनके बारे में बिल्कुल बातचीत करी होगी या कहीं पर देखे होंगे। जैसे कि ओ लेवल्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे कॉमन एक रिएक्शन है जो हम लोग काफी टाइम से पढ़ते रह रहे हैं बेटा, वो है जैसे आपके पास टाइट्रेशन का रिएक्शन। तो टाइट्रेशन को हमने ओ लेवल्स में भी ATP के पेपर 4 में जो वीडियोस वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पर देखा है लेकिन कभी परफॉर्म नहीं किया, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो कभी उसको अपने स्कूल वगैरह में लैब में जाकर परफॉर्मेंस करी होगी, क्योंकि काफ़ी अनप्रोफेशनल सी परफॉर्मेंस होती है जब हम लोग सिर्फ जो है वो उस लेवल पर आप लोगों को नो हाउ करवा रहे होते हैं रिगार्डिंग दी अपैरेटस कि भाई आपको अपैरेटस क्या क्या चीज़ें होती हैं और बेसिकली एसिड और एल्कली का जो रिएक्शंस है वो किस तरीके से। हेलो, अब देखिए आवाज आ रही है। हेलो, अब क्लियर है बेटा आवाज? जी सर, सही है। ओके तो इस पेपर 3 में यू वी हैव 40 मार्क्स और 2 घंटे का टाइम होता है यहाँ पर।
और जो एएस के अंदर बेटा इसका जो आपके रिजल्ट में वेटेज है वो 23% है, 23%। इट मीन्स दैट कि ये पेपर आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ये कंपेरेटिवली P1 और P2 से काफी आसान पेपर होता है, जिसमें नंबर को लेना भी बड़ा आसान है और यहाँ पर अगर हम छोटी छोटी सी गलतियां अगर करेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो ऐसे ही निकल भी जाएंगे अगर हम कुछ चीजों का ध्यान नहीं देते। अच्छा, आपके सामने बेटा ग्रुप पर मैं एक पेपर शेयर कर रहा हूँ, आप सब देखिएगा, वो यहाँ पर भी शेयर करूंगा। देखिएगा ये आपका पेपर थ्री है, ठीक है, इस पेपर थ्री में यू हैव टू अटेम्प्ट, ये समर्स 2019 का पेपर है, तो सिर्फ आपको इसका पैटर्न समझाने के लिए पेपर खुला है। अब इसमें नॉर्मली आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर के अंदर, हाँ मुझे लग रहा है कि शायद अच्छा अब क्लियर है। अच्छा देखिएगा बेटा, तो आपके पास हमारा अजीब सा शोर, हालांकि यहाँ पर तो कुछ भी शोर नहीं है, शायद माइक का इशू हो रहा है। अच्छा खैर देखें बेटा, आपके पास यहाँ पर इस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, द वन क्वेश्चन इज बिलोंग टू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये जिसके अंदर बेसिकली हम लोग टाइट्रेशन और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको पूरा मेथड बताया हुआ है कि आप किस मेथड से अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, तो मेथड को याद करना ऐसे जितना जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए मेथड ए यहाँ पर जैसे दिया मैंने, अब ये कहता है कि फिल द टब विद वाटर टू डेप्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से लैब मैनुअल्स टाइप्स के आपको भी मिल जाएंगे जब हम लोग लैब में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अब जिस तरीके से मेथड में एग्जामिनर आपसे कह रहा है हमें वैसे ही इसके मेथड्स को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो होगी बेटा एपरेटस की हैंडलिंग, कि आप किस तरीके से एपरेटस को हैंडल करते हो और कब आप कौन सा एपरेटस यूज करते हो, और अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट पे के लिए एक अपैरेटस यूज कर रहे हो तो उसको यूज करने की वजह क्या है, और काफी जो है वो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं कि जो आपके रिजल्ट को फौरन से खराब कर देती है। देखो हम लोगों को इस तरीके से लगता है कि एक्सपेरिमेंट्स करने लैब में जा रहे हैं तो बस सोल्यूशंस को मिलाया, नॉट दैट, नहीं, वहां पे हमें सारे एरर्स को भी फाइंड आउट और कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको ये एक एक्सपेरिमेंट निकालना है, और ये कैसे निकालना है, इसका मेथड जो आपको दिया हुआ है ना बेटा, ये आप हम लोग साथ बैठ के इसको परफॉर्म करेंगे, और फिर जो गिवन वैल्यूज आएंगी जो उनको हम लोग यहाँ पर हर एक चीज को इस पेपर में नोट डाउन करेंगे, एंड देन फिर ये देखो अब आपके पास एक एक्सपेरिमेंट से एक गिवन एक एक वैल्यू आ गई, फिर हमने उस वैल्यू की मदद से
इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया एंड देन यू कैन फाइंड आउट द आइडेंटिटी ऑफ दिस एम, मतलब कोई एक मेटल था जिसकी आइडेंटिटी हमें फाइंड आउट करनी थी विद दिस मेथड एंड मेथड इज गिवन इन टू योर पेपर। बेसिकली ये पूरा पेपर है। अब इसमें इसमें आप लिखोगे कैसे, सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या क्या मामला होता है, तो वो तो हम बाय द टाइम लैब को प्रोसीड करते रहे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी पर रिलेट कर रहा है बेटा। दूसरा क्वेश्चन में भी देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एंड अगेन इस पूरे एक्सपेरिमेंट का भी मेथड आपको प्रोवाइड है एंड विद बाय फॉलोइंग ऑफ दिस मेथड हम लोग वैल्यूज कलेक्ट करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इनके कैलकुलेशन। बेसिकली दिस चैप्टर बिलोंग्स टू दी मोल्स। यहाँ पर मोल्स का सबसे ज्यादा काम होता है फॉर कैलकुलेशन। आप जो भी जब भी कभी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं ना, तो वहां पर हम लोग अपने रिजल्ट्स निकालते हैं मोल्स की मदद से। ठीक है, तो इस पूरे पेपर 3 में आपका जो मोल्स आप लोग पढ़ के आए हुए हैं या अभी AS में दोबारा पढ़ेंगे, तो वो लैब में आकर फिर से रिविजन की तरफ चले जाएगा जो भी मोल्स होगा, और वही बेसिक मोल्स यूज करते हुए आए हैं आज तक वही हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास आ गया बेटा ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये पेपर 3 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब अमाउंट्स पर बात कर रहे हैं, और एक में हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। अब देखने में तो ये वर्ड शायद आप लोगों को नया लग रहा हो, लेकिन आपने सब ने इस पर वर्क करा हुआ है अपने प्रीवियस क्लासेस में। कैसे, आपको याद होगा कि हम लोग जब ओ लेवल्स में थे तो वहां पर हम लोग टेस्ट फॉर एनाइंस और कैटाइंस को याद करते थे, और वो सारे टेस्ट यही थे। देखो, एल्युमिनियम, अमोनियम, बेरियम, कैल्शियम और इनके रिएक्शंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस, ये सारे रिएक्शंस टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस में हमें ओ लेवल्स में याद करने पड़े थे। लेकिन अब एक की जो सबसे आसान बात है इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में, कि ये सारे जो ये वाले जो पूरा है ना, इनके टेस्ट और इनकी ऑब्जर्वेशंस ये आपको पेपर में गिवन है। रिएक्शंस ऑफ एक्वस कैटाइन, ये टेस्ट फॉर कैटाइन्स है, और आप जब नीचे आओगे तो आपको टेस्ट फॉर एनाइन्स मिल जाएंगे। देखो, ये सारे एनाइन्स को हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं वहां पर ओ लेवल्स के अंदर। ठीक है, एंड दीज आर दी टेस्ट फॉर गैसेस। तो मतलब जो चीजें आपने पिछली बार याद करी थी, अब आपको वो सारी चीजें गिवन है। अब हमें क्या करना है बेटा, इस ये जो जो पूरी आपको डेटा बुकलेट दी हुई है इसकी मदद से ये जो क्वेश्चन है ऊपर मैं दिखाता हूँ, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस तरीके से आपको ये टेस्ट करने का कह रहा है आपको वैसे ही परफॉर्म करना है और इसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखनी है। तो देखो, अब ये वाला जो पेपर है इसमें वो 3 क्वेश्चन थे सिर्फ, लेकिन क्योंकि हमें इसको अगर हम लोग सिर्फ 3 क्वेश्चन की नजर से देखेंगे तो ये तो खैर आपको काफी छोटा पेपर लगेगा, लेकिन बेटा बात ये है कि इन सब तीनों को आपको लैब में पहले परफॉर्म करना है, तो लैब की परफॉर्मेंस में टाइम बहुत ज्यादा लगता है आपके पास। अपैरेटस को सेट करना, चलो वो तो अपैरेटस आपको सेट किया हुआ मिल जाएगा, फिर चीजों को प्लेस करना, फिर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट करना। अब एक एक्सपेरिमेंट को बेसिकली हम लोग और कंफर्म करने के लिए टाइपरेशन चार रिजल्ट निकालते हैं, तो 3 या 4 रिजल्ट निकालने के लिए इट 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 टेक्स टाइम। तो बाहर तो देखने में यहाँ पर 2 घंटे हैं इस पेपर के लिए, लेकिन अगर आपने इन 2 घंटों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो ये 2 घंटे कहाँ गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो बेटा कंपेरेटिवली दिस पेपर इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि भाई लैब में चीजें किस तरीके से वर्क कर रही है। जब भी आप देखोगे कि टोटल में इसका जो रिजल्ट है इसमें वेटेज काफी कम है, लेकिन 23% जो इसका वेटेज, अगर आपका ये पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा चले जाता है, क्योंकि इसमें एज सच कुछ थ्योरी वगैरह आपको इतनी ज्यादा याद नहीं करनी है, तो बेसिक कैलकुलेशन वो हम लोग पढ़ेंगे और जो इसके मेथड्स गिवन है वो इनको फॉलो करेंगे, तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आपके सामने बड़ा वो लैब मैनुअल शेयर कर रहा हूँ अभी स्क्रीन पर, तो
ये लैब मैनुअल आपको फिजिकली भी प्रोवाइड हो जाएगा कि जब इंशाल्लाह, उम्मीद है कि हम लोग नेक्स्ट वीक से फिजिकल क्लासेस में आ जाएंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने लैब मैनुअल ये शेयर कर रहा हूँ, आप जरा इसको देख लेते हैं। ओके, सो इन दिस लैब मैनुअल आपके पास जो जो चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, ये आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें हम लोग जितने टाइप्स के जो केमिकल जो भी एक्सपेरिमेंट उन सबसे रिलेटेड मटेरियल इसके अंदर मौजूद है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये टाइट्रेशंस के रिएक्शंस है, एंड टाइट्रेशंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, जैसे कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही चलता रहेगा, लेकिन इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम उनको स्टडी करते हुए उन सबके एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर प्लान है, और उसको डेट वाइज हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, दूसरा जो आपके पास एक्सपेरिमेंट होता है वो होता है बेटा इंथैल्पी चेंज का। दैट इंथैल्पी चेंज, इस इंथैल्पी चेंज का एक पूरा चैप्टर भी आपके पास एएस केमिस्ट्री में मौजूद है, विच इज कॉल्ड द केमिकल इनर्जेटिक्स, हम उसको केमिकल इनर्जेटिक्स भी कहते हैं। इंथैल्पी चेंज बिलोंग्स टू द हीट एनर्जी चेंज रिएक्शन, व्हेन यू आर डूइंग अ केमिकल जो हीट एनर्जी चेंज आ रहे हैं उनको स्टडी करेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में यू गाइस हैव एन आपको आइडिया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके पास क्या चीज है बेटा। इसके अंदर हम लोग जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर वाटर मौजूद होता है किसी भी सॉल्ट के अंदर। टचिंग माय माइक, आई थिंक
थोड़ा सा उसको आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो इट ओके फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे नहीं समझ आता कि माइक का इशू क्या हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट से जब हम लोग देखेंगे तो ये माइक का इशू मैं रिजॉल्व कर लूंगा। ओके सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का चैप्टर भी थ्योरी सेक्शन में आपके पास मौजूद है। आप जब जब वो थ्योरीज को कनेक्ट करोगे अपने लैब से तो काफ़ी चीज़ें आपकी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। कि देखें, थ्योरी में हम लोग चीज़ों को समझेंगे, उनका कॉन्सेप्ट लेंगे, और अगर हम उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेंगे लेबॉरेटरी में तो देन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब वी हैव 22 एक्सपेरिमेंट्स जो हमें करने हैं। लेकिन अगर आप इन 22 एक्सपेरिमेंट्स को देखो कि इनके अंदर टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या क्या हैं, तो वी हैव 1 2 3 4 5, बेसिकली वी हैव फाइव।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबकी लाइट चली गई है, ठीक है, जिस वजह से सर क्लास कंटिन्यू कर सकेंगे। मैं आपको लैब के अपरेटस या टाइट्रेशन के अपरेटस के बारे में बता देता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? देखो, सबसे पहले टाइट्रेशन में यूज होने के लिए स्टैंड, यह है स्टैंड, ठीक है, बॉस और ये क्लैंप। स्टैंड, बॉस, क्लैंप। इसके बाद टाइट्रेशन में प्यूरेट, ये है हमारे पास प्यूरेट, 50 ml की प्यूरेट, इसको प्यूरेट कहते हैं। इसके बाद पाइपेट, 25 ml, बोलते हैं पाइपेट। यह है कॉनिकल फ्लास्क, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क, 250 ml, ये भी हमारे पास अट्रैक्शन में यूज होता है। यह है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या ग्रेजुएटिक फ्लास्क, दोनों इसको कह सकते हैं, ये वह 250 ml का। बीकर, 250 ml, बीकर 100 ml और बीकर 50 ml। इसके अलावा वाइट टाइल यूज होती है टाइट्रेशन में, उसके स्टैंड के बेस पे हम लोग इसको रखते हैं ताकि इससे कलर आइडेंटिफाई हो जाए। उसके बाद पाइपेट फिलर, ये सक करने के लिए यूज होता है किसी भी केमिकल को, और इसको पाइपेट के लगाया जाता है, इसको होते हैं पाइपेट फिलर। यह है मेजरिंग सिलेंडर, 50 ml, ये भी हमारे पास फैब्रिकेशन में यूज होता है। और इसके अलावा फनल, यह है फनल, ठीक है, ये हमारे पास फैब्रिकेशन में यूज होता है फिलिंग करने के लिए, फ्लूइड में लगाते हैं। तो ये हाइड्रेशन का ये सामान अपरेटस, ये पूरा अपरेटस में यूज होता है। ठीक है सर, सर गाजी आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जी 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 मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो जैसे कि बेटा आप लोगों को अभी सर ने टाइट्रेशन के अपैरेटस के बारे में बताया कि कौन कौन से अपैरेटस हम लोग यूज़ करेंगे ड्यूरिंग टाइट्रेशन, एंड जो सबसे बेसिक इसमें चीज़ है दैट वाइट टाइल जो आप लोगों ने देखी होगी, वो जो व्हाइट टाइल है बेटा, वो व्हाइट टाइल हम लोग टाइट्रेशन करते हुए क्यों
कॉनिकल फ्लास्क के नीचे, क्योंकि इफ वन और टू ड्रॉप्स भी अगर हमारे पास टाइट्रेशन के दौरान एसिड एल्कली के एक्सेस में आ जाते हैं तो हमारे पास अपना रिक्वायर्ड कलर नहीं आता। आप लोगों ने कभी इस कलर के बारे में शायद सुना होगा कि वी रिक्वायर अ फेंट पिंक कलर व्हेन व्हेन वी आर यूजिंग द फिनोफ क्लीन एज एन इंडिकेटर। ठीक है, अब सर ये जो बेसिक टाइट्रेशन के अपैरेटस तो आपने दिखा दिया है, और एक मिनट, अच्छा फिर से आते हैं बेटा इस मैनुअल पे। एंड फिर बेटा हमारे पास इस मैनुअल में एक पोर्शन है सॉल्ट एनालिसिस का, विच इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसके नोट्स आपको पेपर में गिवन होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, और हम उसको देखकर ये सारी सॉल्ट एनालिसिस करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द कैटाइन्स एंड एनाइन्स इन एन अननोन सॉल्ट। आपको एक अननोन सॉल्ट यहाँ पर दिया जाएगा और इसके अंदर हम लोग प्लेस कर कर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट केमिकल्स हम लोग एट कैटाइन्स और एनाइन्स को फाइंड आउट करेंगे इन पर्टिकुलर सॉल्ट एनालिसिस के रिएक्शन। ये आपका मार्किंग राइट ओके बेटा, सर के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आज की क्लास ही पेंड कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह।